हमारे जवान समाधि ले रहे थे अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए, और दूसरा बहादुर जवान मौत से लड़ रहा था। पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना इनको याद नहीं, 26/11 की घटना इनको याद नहीं, पार्लियामेंट का हमला, पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, उपराष्ट्रपति सबको बचा लिया। आज सारे परिवार मेरे साथ थे, दुखी थे, उनके बच्चे रो रहे थे। आज उन्होंने ऐलान कर दिया अगर जेएनयू में ऐसा होगा सारे हिंदुस्तान के वो शहीद परिवार इकट्ठे करेंगे, कोई राजनीति नहीं होगी। जिन जवानों के सिर कट के उनकी पत्नियां उनके बच्चे होंगे रोते हुए वहां पे बैठेंगे कि यहां से जो जो देशद्रोही है, जिस जिसने अफजल के नारे लगाने हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, सैयद के साथ चलना है, कश्मीर की आजादी की बात करनी है, उनको निकालो यहां से। और इस कैंप को इतना सुंदर बनाओ, इतना अच्छा हमारा स्थान, जहां से आईपीएस आईएएस बनते, यहां से प्रोफेसर बनते, यहां से पत्रकार बनते, अगर ऐसे नौजवान निकल के आईपीएस आईएएस फौज में जाएंगे तो क्या अपने देश की सुरक्षा होगी? ये मेरा सवाल है। रीता बहुगुणा जी मेरी बहन है, मैं कांग्रेस छोड़ी नहीं, पर मेरी कांग्रेस से विचारधारा कई बातों पे बिल्कुल अलग हो जाती है। मैंने अपना पॉलिटिकल नुकसान कराया, मुझे उसका फिक्र नहीं, पर भारत माता की शान के खिलाफ कोई यहाँ जाए मैं परवाह नहीं करता। मैं रीता बहुगुणा जी अपनी बहन को कहना चाहता हूँ, बहन जी जो आपने एक बात गलत कह दी कि देशद्रोही का मुकदमा गलत चलाया, ये आपको नहीं कहना चाहिए था। हम कांग्रेस को क्या जरूरत है? ये देश के गद्दार, ये देश के खिलाफ नारे लगाने वाले, ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले जो हमारे जवानों को रोज कत्लेआम करते हैं, आज उनकी बहनें आज सुहाग उजड़े हुए रोते हैं, उनके बच्चे रोते हैं जब हमको उस वहां पे नेताओं को देखते हैं और जब ये नारे सुनते हैं। देशद्रोही है तो है, अपनी पार्टी में हो, बाहर हो, कहीं हो, हमें ये वकालत किसी को नहीं करनी चाहिए। हम अरे 50 लड़के होंगे ये देश विरोधी, 70 होंगे, अरे 70 लड़कों में वही जो पकड़े लड़के वही बीच में थे, वही नारे लग रहे थे कश्मीर को आजाद कराने की बात, और केरला को और बंगाल को कल को कहेंगे पंजाब में खालिस्तान भी हम बनाएंगे। इनकी ऐसी की तैसी, इनकी इतनी हिम्मत, इनकी इतनी हिम्मत, जिनका फर्ज चाहिए था कौन नारे लगाने वाले गले से पकड़ते और पुलिस के करते ले जाकर, सच्चे देशभक्त होते। मैं फिर कहूं सारी राजनीतिक पोलिटिकल पार्टियों को, इनकी वकालत ना करें, नहीं तो आने वाले वक्त के अंदर देश का इतनी बर्बादी होगी हम इसको बचा नहीं पाएंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो कि जो इतना बड़ा कैंप्स है वहां पहले भी ये सवाल था, आज भी ये सवाल है, अब ये कहेंगे हमें पता ही नहीं, तो फिर यहां क्या करने आए हैं? ये दो लड़कों के सामने फोटो दिखा रहे, कौन जा कौन को नहीं जानते? ये तो कह रहे हैं मैं नहीं जानता कौन है, अभी आपके सामने उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता। नहीं जानते तो फिर इनको क्यों बिठा रखा? उमर खालिद कौन है मैं नहीं जानता। नहीं नहीं है तो फिर इनको क्यों बिठा रखा है? जब ये वकालत उनकी कर ही नहीं रहे, उनकी बात ही नहीं कर रहे, इनको पता ही कुछ नहीं, मैं ठेकेदार नहीं हूं मैं, तो इनको हटाइए ना, किसी और को लाइए। ये क्या जवाब देंगे? ये तो कमिश्नर पुलिस आईपीएस ऑफिसर, इनको को गला चकवा है आपस में बात, जिसने कैसे कह दिया वो चल रहे थे, कैसे राजनाथ सिंह चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हो, क्या बोलने का तरीका इनका, क्या तरीका बोलने का इनका, ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हम किसी की वकालत नहीं कर रहे, पर ये कौन सा तरीका है? कुछ ये गुंडा राज है क्या? मैं आज एक ये शुरुआत हो चुकी है तुम्हारे जैसे लोगों को ठीक करने के लिए, ये सही शुरुआत है, आगे देखो होता क्या। हम परिवारों को लेकर जब बैठेंगे ना वहां पे, उनके बच्चे, उनकी औरतें जिनके पतियों के सुहाग उजड़ गए, फिर आपको पता चलेगा। पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, राजनीतिक पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बैठेंगे, हम कुर्बानी देंगे, पंजाब में दी ना, यहां भी देंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को घुसने नहीं देंगे। हम देखेंगे आप लोगों को किस तरीके से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किस तरीके उस कश्मीर के अंदर जहां आज तक हजारों जवान शहीद हो गए उनकी लाशों के साथ आप मजाक उड़ाते हैं।